नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटपुतली बहरोड जिले की पुलिस लाइन में जिला स्तरीय पुलिस शहीद दिवस समारोह का आयोजन एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में प्रातः 8 बजे से हुआ। शहीदों को सलामी के बाद शहीदों के नाम का वाचन किया गया। शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए, जिसके बाद प्रातः 9 बजे से शोक सलामी का आयोजन किया गया। साथ ही शहीद पुलिस कार्मिकों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर परेड व श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन भी हुआ। पुलिस लाइन में वृक्षारोपण स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान विगत एक वर्ष के दौरान देश भर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। जिले के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने लद्दाख में शहीद हुए पुलिस जवानों के नाम लेते हुए उन्हें याद किया। पुलिस जवानों द्वारा पुलिस शहीदों को 3 राउंड फायर करते हुए शोक सलामी दी गई। एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक सहित जिले भर के थानाधिकारियों पुलिस जवान मौजूद रहे। शहीद दिवस है और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर गत एक वर्ष में 216 पुलिस अधिकारी और जवानों जिन्होंने देश की सेवा में अपने आप को वीरगति को प्राप्त किया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये आयोजन आयोजित किया गया। आज से 65 वर्ष पूर्व 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर राष्ट्र के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब से ही 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी के अंतर्गत आज ये आयोजन किया गया। परेड है हमारी, वो आयोजित की गई है, जिसमें उनको जवानों और पुलिस अधिकारियों को जो वीरगति को प्राप्त हुए उनको श्रद्धांजलि की गई है। साथ ही पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।